ये वीडियो सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें। जस्ट तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल नोटिस आपको बताने वाला हूँ कि द्वारा परंपरागत एवं व्यवसाय की पाठ्यक्रमों बीएड, एमएड, बीपीएड, मेडिकल एवं पैरामेडिकल को छोड़कर के समस्त छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिन छात्र छात्राओं की वार्षिक प्रणाली तथा सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत वार्षिक एवं सम विषम सेमेस्टर की लिखित परीक्षा संपन्न हो चुकी है तथा परीक्षा फल भी घोषित हो चुका है, किंतु उनकी प्रयोगात्मक और मौखिक परीक्षा किन्हीं कारणवश छूट गई है एवं उनकी उपाधि पूर्ण नहीं हो पाई है तथा कालाबाधित की श्रेणी में नहीं आते हैं, ऐसे समस्त विद्यार्थी जो उक्त छूटी हुई प्रयोगात्मक मौखिक परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, वे अपना आवेदन संबंधित महाविद्यालय संस्थान से अग्रसर कराकर विश्वविद्यालय परिसर में स्थित इंडियन बैंक में 1500 रुपये प्रति कोड शुल्क जमा कर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के आवेदन कमरा नंबर 308 में तथा परंपरागत पाठ्यक्रमों के आवेदन गोपनीय विभाग की खिड़की नंबर 40 पर प्रत्येक दशा में दिनांक 21/10/2021 तक अंक तालिका प्रवेश पत्र की छायाप्रति के साथ जमा कराना सुनिश्चित करें। उक्त निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत कोई भी आवेदन पत्र विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। छूटी हुई प्रयोगात्मक मौखिक परीक्षा हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्र की सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ccsuuniversity.ac.in पर यथावत अलग से अपलोड की जाएगी। जस्तो बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा के बारे में। जस्तो प्रोग्राम ऑफ बी एड सेकेंड ईयर मैन एक्स स्टूडेंट एग्जामिनेशन जून 2021। जस्तो यह कार्यक्रम बीएड न्यू कोर्स 2 वर्षीय पाठ्यक्रम संस्थागत भूतपूर्व परीक्षार्थियों की मुख्य परीक्षा द्वितीय वर्ष 2021 के लिए लागू होगा। यह कार्यक्रम काउंसलिंग से प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए ही मान्य होगा। प्रत्येक विषय प्रश्न पत्र में 100 बहुविकल्पीय प्रश्नों की परीक्षा होगी, जिसमें विद्यार्थियों को किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। प्रश्न पत्र हल करने की समयावधि 1.5 घंटे की होगी। तो यहाँ पर DBRAU ने बीएड सेकेंड ईयर न्यू कोर्स की डेट शीट जारी की है, जो 11 अक्टूबर 2021 से आपके एग्ज़ाम कराने वाले हैं। 11 को आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद 12 को होगा, उसके बाद आपका 13 अक्टूबर को, उसके बाद 16 अक्टूबर को और उसके बाद 18 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। जो छात्र छात्राएं DBRAU में बीएड सेकेंड ईयर न्यू कोर्स के स्टूडेंट हैं, वो अपनी इस डेट शीट को नोट कर ले और अपनी तैयारी को अच्छे से करें और अपने एग्ज़ाम को समय और डेट के साथ देना सुनिश्चित करें। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें, उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। तो मिलता है कोई लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।